नमस्ते भाई बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो वर्ण अलग है और विच्छेद भी एक अलग शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई भी टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। दूसरी है वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। ठीक है, इसमें कुछ शब्द मैंने दिए हुए हैं जो मैं खुद करके दिखाई हूँ। जैसे पहला शब्द है तैराक, तो प्लस ए प्लस रो प्लस आ प्लस क प्लस अ। अब इसको त में ए की मात्रा तय, रो में आ की मात्रा रा, क में अ की मात्रा क, तैराक। ये त के नीचे जो लाइन खींची हुई है इसे हम लोग हलंत कहते हैं। जब भी हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो व्यंजन में ये हलंत डालना है। इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ण जो है ये आधा है, ये संपूर्ण नहीं है। समाज स जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ जोड़ ज जोड़ अ। परिवार प जोड़ छोटी र जोड़ व जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ, परिवार। अद्भुत अ जोड़ द जोड़ भ जोड़ उ जोड़ त जोड़ अ, अद्भुत। ठीक है, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद है प्रभात, प जोड़ र जोड़ अ जोड़ भ जोड़ आ जोड़ त जोड़ अ, प्रभात। अभारी आ जोड़ भ जोड़ आ जोड़ र जोड़ बड़ी ई, आभारी। मेट्रो कृपा कमजोर हैराना हैरानी लालची सबूत। ये सारे जो है मैंने करके दिखाए हुए हैं। उसके बाद कुछ और शब्द हैं जैसे प्रणाम प्रदूषण अनुशासन यातायात सुविधा नैतिक नैतिक घबराहट जीवन समझदार विशाल अनुशासन। तो ये जो शब्द है इन शब्दों को तुम लोगों को वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, वर्ण विच्छेद करना है और करके कॉपी में लिखना है। कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर किए हुए हैं जिसको देखकर बाकी को तुम लोगों को करना होगा। ठीक है, स्कूल खुलने पर कॉपियां करेक्शन की जाएंगी। तब तक के लिए नमस्ते शिवाय, घर में रहो और सुरक्षित रहो।